हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल राजलक्ष्मी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लैक कुर्ती और पट्टे के साथ मेकअप लुक, और वो भी बिना फाउंडेशन की हेल्प से एकदम सिंपल मेकअप करने वाली हूँ। और मेरा लुक कैसे आने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि कैसा मेरा लुक आता है। तो चलिए वीडियो एंड तक देखिएगा और कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो तो, और चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं फेस को क्लीन कर ली हूँ फेस वाश से, और इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ मॉइस्चराइजर, और नेक एरिया में भी लगाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। उसके बाद मैं ये वाइट टोन क्रीम लगाऊंगी, और ये आप डेली यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी नेक एरिया में लगाना है और अच्छे से इसको मिला लेना। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी आई शेडो, और यहाँ मैं लाइट गोल्डन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ, न्यूड कलर में है। और ये मतलब आप चाहे तो इसको फिंगर से भी लगा सकते हैं या ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा पिंक कलर का लगाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं कर रही हूँ, सिंपल मेकअप कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ लाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। और आप चाहे तो यहाँ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास आई शेडो ना हो तो। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी आईलाइनर। आईलाइनर बहुत मतलब मेहनत लगता है लगाने में, बहुत मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप रेगुलर लगाइएगा तो, नहीं तो इसके लिए स्टिक वाला भी आईलाइनर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा आईलाइनर कंप्लीट हो गया, और मैं नीचे भी आईलाइनर ही लगा रही हूँ। आप चाहे तो काजल भी लगा सकते हैं, आईलाइनर काजल कोई भी चीज़ आप लगा सकते थे। यहाँ मैं दोनों चीज़ यूज़ करने वाली हूँ, आईलाइनर और काजल भी। इससे अच्छा आईज़ आपका दिखेगा, बहुत अच्छा प्यारा लगेगा। और इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा सुखा लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊँगी ब्लश, और ये चिक एरिया पे लगाते हैं। अगर बस आपके पास ब्लश नहीं है तो आप यहाँ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिला लेना है, और देखिए आपके चीक मतलब बहुत प्यारे लगेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा बहुत ज़रूरी है अगर आपके आईलैशेस कम हैं, ये आपको दो तीन लेयर ज़रूर लगाने हैं, और नहीं तो आप फेक आईलैशेस लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर है यहाँ लगाने से आपके वहाँ का स्किन है जो बहुत ही शाइन करता है, बहुत प्यारा लगता है। जब आप स्माइल करते हैं तो वहाँ आपका वो एरिया शाइन करता है, ये बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद मैं यहाँ ड्रेस चेंज कर ली, और ये मैंने बताया था कि मैंने ब्लैक आउटफिट चूज़ किया आज के लिए। और ये मैं सिंपल ऐसे, आप हल्का पार्टी में कहीं जाना चाहते हैं तो आप पहन के जा सकते हैं, या फिर आप घर में भी रेडी हो सकते हैं अगर न्यू ब्राइड है तो। तो यहाँ मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए मैं हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं लगाऊँगी पीछे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद सिंदूर, सिंदूर भी ना सिंगार अधूरा है, तो यहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ। उसके बाद ये मेरा रहा फाइनल लुक।